हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष भी आए और शब्दों से अतिथियों का और आगंतुकों का स्वागत और अभिवादन करें। छात्र संघ अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां बजाकर आप उनका वेलकम करें। आज इस छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय के उद्घाटन पे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के प्रभारी रंधावा साहब, यहाँ मंच पे विराजमान मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल साहब, पवन सिंह जी भाटी साहब, बी डी कल्ला साहब, हमारे एनएसवीआई के इंचार्ज जो राजस्थान के हैं और छात्र संघ अध्यक्ष मेरे छोटे भाई हरिराम गोदारा जी, विधायक कृष्णा पूनिया जी, तमाम सम्मानित मंच यहां पर सामने विराज रहे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं बहनों, छात्र शक्ति, मीडिया के बंधु, एक मौका मिला युवाओं के बीच में आने का। उनको आप सबने हमारा स्वागत किया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे देश में युवा सबसे ज्यादा है और जिस देश में युवा सबसे ज्यादा होते हैं वो ही उस देश की प्रगति करते हैं, वही देश का आने वाला भविष्य होते हैं। और छात्र चुनाव के माध्यम से जो युवा चुनाव जीत करके आते हैं वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, प्रजातंत्र को मजबूत करते हैं। और ये वर्षों से चली आ रही है कि जो लोग चुनाव में मत लेकर के चुनाव जीत करके आते हैं वो वहां की अपनी संस्था, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज बनकर के उनकी समस्याओं को उठाते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। भाई हरिराम गोदारा जी को आप सब युवाओं ने चुना और अभी रामनिवास कोकना जी ने बताया कि किस प्रकार से हमेशा यहां काफी वर्षों से एनएसवीआई चुनाव जीतती आई है। मैं बधाई देता हूं एनएसवीआई के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं तो एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, मुख्यमंत्री जी को बोलना है, हमको दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, प्रभारी जी भी आए हैं वो भी अपना संदेश देंगे कि युवाओं को समझना पड़ेगा कि आज के वर्तमान हालात में हमारा जो प्रजातंत्र है, हमारा जो लोकतंत्र है वो कमजोर किया जा रहा है, उसके ऊपर दिन प्रतिदिन चोट मारी जा रही है, एक तरीके से उनके बोलने का अधिकार छीना जा रहा है, उनके जो मूलभूत अधिकार हैं उनसे वंचित किया जा रहा है। तो इसके लिए अगर कोई क्रांति ला सकता है, इसके लिए अगर कोई बात उठा सकता है तो वो युवा ही होता है जो पुरजोर तरीके से अपनी बात उठा करके और अपना हक लेना जानता है। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया, सरकार में आए, सरकार बनी जो अच्छे काम कर रही है। आप सब को पता है कि किस प्रकार से राजस्थान में एक से बढ़कर के एक योजना लाई जा रही है, इससे बौखला करके केंद्र की मोदी सरकार जो चुनाव लड़कर के जनता ने चुनाव जीता है यार राहुल गांधी जी को, उनकी सदस्यता बेईमानी पूर्वक अयोग्य उनको किया गया और प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम किया गया है, उसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, इस लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। बार बार मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और सब लोग कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र को मजबूत नहीं करती, लोकतंत्र को बचा के नहीं रखती, इसको मजबूत नहीं करती तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के नहीं बनते। अगर हमारी सबसे बड़ी खूबी अगर कोई है तो वह है हमारा मजबूत लोकतंत्र, पारदर्शी लोकतंत्र
और उसमें हमारा संविधान। तो आज जो संविधान के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं को भी दुरुपयोग किया जा रहा है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और लोकतंत्र को भी कमजोर किया जा रहा है। इस ये विषय गंभीर है, इसको हमारे युवा साथियों को, हम सबको समझना पड़ेगा और उसकी मजबूती के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा आप और हम सब मिलकर के संघर्ष करेंगे। ये देश हमारे शहीदों, हमारे महापुरुषों ने बहुत मेहनत करके, बलिदान, अपना सर्वोच्च बलिदान करके, अपने प्राण न्योछावर करके और हमको देश की आजादी दिलाई है। और ऐसे ही नहीं, 75 साल में हम विश्व में सिरमौर बने हैं। हम सब लोगों की मेहनत है, पूरे देश के लोगों की मेहनत है। तो इस मेहनत के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी या कोई भी सत्ता में आया व्यक्ति अगर उसका दुरुपयोग करके और अपने स्वार्थ के लिए अगर वो काम करता है तो उसका हम सब लोगों को विरोध करना चाहिए। मैं पुनः आप सब लोग आए, पधारे, हमारा स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद। और भाई हरिराम गोदारा जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए और छात्रों की आवाज बुलंद कीजिए, निश्चित रूप से आगे आपका भविष्य अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने बुलाया, हमारा सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका माननीय डॉक्टर साहब। छात्र संघ अध्यक्ष हरिराम जी से मेरा रहेगा निवेदन कि मंच पर यासीन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का भी बुके देकर उनका वेलकम स्वागत करें, सम्माननीय गोविंद जी मेघवाल साहब का भी बुके देकर उनका वेलकम और स्वागत करें, और उनके साथ साथ भगवत सिंह जी बाटी और सम्माननीय कृष्णा जी तालियों के साथ में स्वागत अभिवादन। और ये लहराते हुए हाथ, ये उत्साह का जो संचार यहाँ पर हो रहा है, उनकी अभिव्यक्ति आपकी तालियों के माध्यम से होनी चाहिए, मेरा निवेदन रहेगा। इस स्वागत के ही क्रम में कि हम महाविद्यालय परिसर में आए हुए सभी अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत शब्दों से भी करें, मेरा आग्रह जीपी सिंह जी से कि वे आए और स्वागत करें आदरणीय जीपी सिंह जी से। और हरिराम जी आपसे पुनः मेरा निवेदन रहेगा, कृष्णा जी पूनिया में, माननीय लक्ष्मण जी गोदरा सर, माननीय वीरेंद्र जी बेनीवाल, आप इनका भी बुके देकर स्वागत अभिवादन करें। जोरदार तालियों से पूरे मंच का स्वागत और अभिवादन होना। मंच पर आसीन राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री परम सम्माननीय अशोक गहलोत साहब, चूंकि मुझे कहा गया है कि बहुत कम समय है, समस्त मंचासीन माननीय मंत्री महोदय, इस सभागार में उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि, छात्र एवं छात्राओं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय के अंदर परम सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को समय दिया। उनकी मांग के अनुरूप मैं माननीय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यह जो महाविद्यालय है लगभग 75 वर्ष से अधिक पुराना है, और मंच पर जो आसीन है इससे भी खुशी की बात यह है कि दो कैबिनेट के मंत्री मंच पर आसीन हैं जो इसी महाविद्यालय के छात्र हैं, माननीय बी डी कल्ला साहब और माननीय गोविंद राम जी, जिन्होंने यहीं से शिक्षा ग्रहण की है। और उससे भी बड़ी बात, 1962 में स्नातकोत्तर कक्षाएं खुलवाने के लिए माननीय बी डी कल्ला साहब के नेतृत्व में ही जब आंदोलन हुआ था तो इस महाविद्यालय में पीजी की कक्षाएं प्रारंभ हुई थी। और अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह महाविद्यालय नेक से लगातार 3 बार ए ग्रेड प्राप्त है। जितने भी संस्थान हैं आयुक्तालय की ओर से भी इस महाविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय के इनाम से नवाजा गया था। इसके अलावा आज की तारीख में यहाँ पर 100 विभिन्न विषयों के अंदर जो शोध पर्यवेक्षक हैं वो पंजीकृत हैं। और इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो इस महाविद्यालय के छात्रों के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से ऑडिटोरियम की घोषणा की थी, जिसका कार्य भी प्रगति पर है,
और आशा है कि उसके शिलान्यास के लिए भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जल्द ही वो यहाँ के छात्रों की भावना के अनुरूप फिर से हमें समय देकर लाभान्वित करेंगे। साथ ही एक अत्यंत विनम्र निवेदन है कि आपने बीकानेर जिले में जो 18 महाविद्यालय खोले हैं, आज पूरे जिले में 18 महाविद्यालय हैं राजकीय, उसमें जो आवंटित सीटें हैं वहां ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं अध्ययन का लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ आपने भवन निर्माण के लिए जो प्रत्येक महाविद्यालय को 4 से 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, आशा है कि जुलाई से जो नियमित कक्षाएं हैं आपके द्वारा जो दिया गया बजट है उसकी सहायता से प्रारंभ हो जाएंगी, उससे ग्रामीण परिवेश के छात्रों को विशेष रूप से लाभ होगा। मैं माननीय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि खेल के विकास के लिए और छात्र संख्या के अनुपात में कक्षा कक्षों की एक महती आवश्यकता है, इसलिए कृपया कर आप आज मंच से छात्रों की इस आकांक्षा की भी पूर्ति कर दें। हमने प्रस्ताव बनाकर भेजे हैं, जो पीटीईटी का आवंटन आपने हमें किया था, 3 साल में हमने 93 करोड़ 12 लाख की लगभग बचत राजकोष में जमा करवा दी गई है, उसका आधा जो हिस्सा है 50% प्रोत्साहन राशि के रूप में नियमानुसार महाविद्यालय को मिलता है, उसमें से 5 करोड़ कोविड रिलीफ में, 15 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम के लिए, तो माननीय 20 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा जारी किए जा चुके हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं महाविद्यालय का प्राचार्य होने के नाते। और आपसे आशा करता हूं कि यहां के छात्रों की जो पुराना भवन है जर्जर हो चुका है, कक्षा कक्षों की बहुत आवश्यकता है। हमने एक 30 कक्षा कक्षों का प्लान भेज रखा है राज्य सरकार के पास, विचाराधीन है, जिस पर लगभग 8 करोड़ रुपए व्यय होंगे और 2 करोड़ रुपए जो खेलों के लिए, कृष्णा पूनिया जी यहां बैठी हैं, खेलों के विकास के लिए आपने बहुत कुछ किया है, तो पीटीईटी की प्रोत्साहन राशि में से ही अगर आप जारी करवा दें तो यहां के जो 11,000 छात्र हैं उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। एक बार पुनः सभी का यहां पर पधारने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और हम सब जिनको सुनना चाहते हैं, जिनके प्रति हम सब की श्रद्धा और अपार आस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने, लेकिन 2 मिनट के लिए हम हरिराम गोदारा जो कि छात्र शक्ति के प्रतिनिधि हैं और पिछले 4 वर्षों से एनएसयूआई का परचम इस बड़े महाविद्यालय में फैल रहा है, आपकी तालियों के बीच हरिराम जी से मैं निवेदन करूंगा छात्र संघ अध्यक्ष कि वो अपने मन की बात मंच तक पहुंचाए, आप तक पहुंचाए, तालियों के साथ इस युवा का स्वागत करें विवादों में। प्रदेश के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के उपलक्ष पर सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए राजस्थान सरकार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी एवं मनसा सिंह समस्त अतिथियों का मैं महाविद्यालय प्रांगण की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रदेश के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देने के लिए अपने कीमती समय निकालकर पहुंचे हैं। जैसे कि आपकी गांधीवादी विचारधारा है, सोच है, जो युवा साथी आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, जो कि अभी लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिशें चल रही है, उसी गांधीवादी सोच को डूंगर कॉलेज के सभी विद्यार्थी निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे और आप पधारे समस्त महता सिंह अतिथियों एवं माननीय जननायक मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक जी गहलोत का मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय हमारे बीच में और हम सब जानते हैं कि पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश अब आपके सामने
हमारे जो राज्य ऊर्जा मंत्री है भंवर सिंह जी भाटी अपने संक्षिप्त में बात रखेंगे, आप जोर से तालियां बजा के स्वागत कीजिए। राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के प्रांगण में आज छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच में पधारे हुए राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, इस कार्यक्रम में पधारे हुए राजस्थान के प्रभारी महासचिव आदरणीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मंच पर विराजे हुए हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर बेडी गल्ला साहब, आपदा एवं प्रबंधन मंत्री राजस्थान सरकार गोविंद राम जी मेघवाल साहब, मंच पर विराजमान डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी, विधायक सादुलपुर मदन गोपाल मेघवाल जी, लक्ष्मण कड़वासरा जी, वीरेंद्र बेनीवाल जी, मंगलाराम जी, महेंद्र गहलोत जी, यशपाल जी, गुरजोत संधू जी, प्रभारी एनएसयूआई राजस्थान हरिराम गोदारा जी सहित सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेरे युवा साथियों, छात्र शक्ति, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने डूंगर महाविद्यालय के छात्र संघ को उद्घाटन के इस कार्यक्रम में आपने पधार करके इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। इसके लिए सभी छात्राओं से मैं कहूंगा कि जोरदार आप तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 बजट गहलोत साहब ने पेश किए, कांग्रेस की सरकार के मुखिया के रूप में आपने राजस्थान के आम जन की भावनाओं के अनुसार तमाम वर्ग को, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, मातृशक्ति हो, बुजुर्ग हो, सबके लिए जोरदार योजनाएं पिछले 5 बजटों में आपने देने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपने आपके इस 4.5 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक काम हुए हैं। राजस्थान में 2018 तक जहां 230 गवर्नमेंट के कॉलेज होते थे, आज उन कॉलेजेज की संख्या 500 से भी अधिक हो गई है। आपका जो निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इससे राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने का जो अवसर आपने दिया है मुख्यमंत्री महोदय, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करीब 91 कन्या महाविद्यालय आपने खोले हैं पूरे प्रदेश में, इससे कन्या शक्ति को, हमारी बहनों को जो 12वीं पढ़ने के बाद एक तरह से पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती थी, उनको भी आपने आगे बढ़ने का मौका दिया है। हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जी डोटासरा साहब यहाँ बिराजे हुए हैं, आपने जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की आपने जो ऐतिहासिक निर्णय लिया था मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, उसमें आज लाखों बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं। गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, एक आम परिवार का बच्चा आज इंग्लिश मीडियम में फ्री पढ़ रहा है। निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम पूरे राजस्थान में स्थापित किए गए हैं, चाहे बड़ी संख्या में स्कूलों को 10वीं से 12वीं करना हो। बीकानेर की यदि हम बात करें तो बीकानेर में जो 4 विश्वविद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय और जो हमारा गुरु जम्बेश्वर भगवान के नाम से आपने पशुपालन विश्वविद्यालय का जो नाम अभी बजट में घोषणा की है, ये विश्वविद्यालय भी आपकी देन है। और जो इंजीनियरिंग का यूनिवर्सिटी है बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये भी आपके कार्यकाल में 2013 में खोले गए। चारों की चारों विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपके द्वारा बीकानेर संभाग मुख्यालय पर खोले गए, उसके लिए बीकानेर की छात्र शक्ति आपका जितना धन्यवाद दे उतना कम है। बीकानेर के डूंगर कॉलेज सहित 2 कॉलेज होते थे बीकानेर में, आपने 18 गवर्नमेंट के कॉलेज पिछले 4 सालों में बीकानेर जिले में खोले हैं, एक बड़ा इतिहास बनाया है। प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर, प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर आपने जो गवर्नमेंट के कॉलेज खोले हैं, आज हजारों बच्चे गांव में पढ़ करके अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। डूंगर महाविद्यालय का अपना अच्छा इतिहास है, यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी हमेशा मेधावी रहे हैं।
आपने यहाँ पधार करके जो समय दिया उसके लिए मैं संपूर्ण छात्र शक्ति की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ कैबिनेट मिनिस्टर ऑनरेबल गोविंद राम जी बेगवाल साहब की भी आए अपनी बात कहें। राजस्थान सरकार के और हमारे आदरणीय राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और आदरणीय नेता अशोक गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी जो कि पंजाब में डिप्टी चीफ रहे, अभी भी एमएलए हैं और हमारे प्रभारी हैं, सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे क्रांतिकारी और मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरे राजस्थान के अंदर जो विकास की गंगा बहा रहे, आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब जो कि हमारे पीसीसी के अध्यक्ष हैं, सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे इस समाज की क्रीम स्टूडेंट्स और बालिकाएं। साथियों, मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने कल 5 बजे इन स्टूडेंट्स को टाइम दिया, कल से इनके इतने खुशी आए बच्चों में जिसकी मैं यहां गाथा नहीं गा सकता या सुना नहीं सकता कि कल के बाद रात को मेहनत करके और इन्होंने भारी उत्साह के साथ ये सारी तैयारी की, इसके लिए मैं आपको बधाई प्रेषित करना चाहता हूं। साथियों, आप जानते हो मुझे याद आता है ज्योतिबा फुले का कथन कि शिक्षा के बिना मति नहीं, मति के बिना नीति नहीं, नीति के बिना गति नहीं और गति के बिना अर्थ नहीं, रुपया पैसा नहीं और रुपये पैसे बिना आदमी का जीवन पशु के बराबर है। आज मुख्यमंत्री जी ने गांव गांव में निजी स्कूलें देकर और यह साबित कर दिया कि आज एक गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। मुझे याद है जब मैं डूबर कॉलेज का 1980 में स्टूडेंट बनकर गया तो यहाँ हमारे बीकानेर में मात्र 2 कॉलेज थे, लॉ की डिग्री मात्र यहाँ डूबर कॉलेज में मिलती थी और आज आपने पूरे 33 जिलों में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। आपने भारी संख्या में जितने आजादी के बाद कॉलेज नहीं खुले इतने अपने पिछले 5 साल में खोलने का काम किया। इसलिए मैं मेरे स्टूडेंट से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आप याद करो कि या तो महात्मा गांधी जी नारक से गया था, उन्होंने लॉ की डिग्री विदेश से ली, डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया वो भी लॉ की डिग्री बाहर से लेकर के आए। शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है और आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद जो इस देश में सत्ता पे काबिज हो गए वो वापस 100 साल पीछे ले जा रहे, आपको भय का वातावरण बना रहे, पाखंडवाद में लोगों में लगा रहे और जाति और धर्म के नाम पे लड़ा रहे। ये अंग्रेज जानते थे कि इस देश में एकता का अभाव है या शिक्षा का अभाव है या विकास नहीं था या कॉलेज नहीं थे, उसका लाभ उठा करके या काबिज हो गए वो मात्र एक स्थिति या कंपनी आई थी। लेकिन आज जो आपने सामने बैठे हो, सभी गांव से आते हो आप लोग, कल आप में से कोई कलेक्टर बनेगा, कल आप में से कोई एसपी बनेगा, कोई इस देश का नेता बनेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग, आज जो कांग्रेस की नीति है जिसने इस देश को आजादी दिलाई, जिसने इस देश को विकास की ओर ले गए और ये लोग जो केंद्र में मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं, आज छोटी छोटी बातों के अंदर लोगों को देशद्रोही का नारा दे रहे, इसलिए हम सब पढ़े लिखों को समझने की जरूरत है। हम इस देश की क्रीम है और पढ़े लिखे लोग ही आंदोलन कर सकते हैं। इसलिए मैं महात्मा गांधी जी को याद करना चाहता हूं कि वो उस जमाने के शिक्षित थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम बड़े रईस थे लेकिन 12 साल उनको जेलों में रहना पड़ा और उसी रास्ते पर आज राहुल गांधी जी चल रहे हैं। 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा की, उन्होंने कहा बेरोजगारी है देश में महंगाई है, इस देश में धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। इसलिए मेरे नौजवानों, पढ़े लिखे आदमी को जाति से ऊपर उठना चाहिए। हम सब धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, यही कांग्रेस का नारा है और अशोक गहलोत नहीं आंधी है, ये राजस्थान के, ये पूरे राजस्थान में नारा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी, हम आपकी योजनाओं को गांव गांव में प्रचार करेंगे। आपने जो हमें फ्लैगशिप योजना दी, आपने चिरंजीवी योजना देकर आज आपने 25 लाख का इलाज फ्री कर दिया, आपने किसान की बिजली फ्री कर दी 2000 यूनिट, आपने 100 यूनिट बिजली कर दी फ्री, जिससे गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है। इसलिए मैं मेरे नौजवानों से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं। दूसरी तरफ
ये महंगाई हमारी कमर तोड़ रही है, इसलिए आपको विचारधारा पे चलना चाहिए। एक विचारधारा सांप्रदायिकता का जहर घोल रही है और एक विचारधारा कांग्रेस की जिसने आजादी दिलाई जो विकास की ओर अग्रसर है। इसलिए आपको तय करना है कि कौन सी विचारधारा को आगे बढ़ाए जिससे हमारा देश मजबूत हो। मैं लंबी बात नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि अशोक गहलोत साहब के विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो देश के अंदर जो सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं, हमें उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमारे देश को मजबूत करेंगे। गांव गांव में शिक्षा के मत जगाएंगे। आप पधारे इस कॉलेज में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साहब की मुख्यमंत्री जी की तालियां बजा के जोर से स्वागत कीजिए। जय हिंद, जय कांग्रेस। शुक्रिया। और इसी डूंगर महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे और आज राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं डॉक्टर बी डी कल्ला। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रभारी महासचिव सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, सम्मानित मंच और सम्मानित प्रांगण, भाई हरिराम जी गोदारा एनएसयूआई के यहाँ अध्यक्ष बनकर जीते और इन्होंने निश्चित रूप से एनएसयूआई के सिद्धांतों पर काम किया, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति जीवन में बनना चाहता है तो बिना शिक्षा के उसका जीवन अधूरा है, बिना तालीम के वो कुछ भी नहीं बन सकता, इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। मुझे याद है कि इस कॉलेज में एमएससी की कक्षाएं खुलवाने के लिए हमको डंडे खाने पड़े थे, यहाँ की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने यहाँ चार चार विश्वविद्यालय बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और अभी हाल ही में इस बजट में 15 करोड़ रुपए हमारे आग्रह पर यहाँ का ऑडिटोरियम, जब से ये कॉलेज बनी थी तब से छात्र संघ के लोग मांग कर रहे थे 15 करोड़ रुपए ऑडिटोरियम के लिए दिए, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर आज चार इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें थी उसकी जगह 250 सीटें, चार नेशनल लेवल के रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब आपकी देन है। और इस बजट में भी मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर, हमारे यहाँ आईसीयू एक्मो मशीन जो राजस्थान में कहीं नहीं है, हमारे यहाँ पीबीएम हॉस्पिटल में आपने मंजूर की है। इसके अलावा प्रिंसिपल साहब जीपी सिंह जी ने जो मांगे रखी है, हम निश्चित रूप से कक्षा कमरों की कमी के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो पीटीईटी का पैसा है उसमें 50% पैसा हम वापिस डूंगर कॉलेज को देते हैं, उस फंड से कक्षा कमरों की भी दूरी कमी करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं बोलते चूंकि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, इसलिए अधिक न कहकर इतना ही कहना चाहूंगा, इस कॉलेज ने आईएएस आईपीएस आरएएस डॉक्टर और इंजीनियर्स लिए हैं। इस कॉलेज को मेहरबानी करके हमारा यूनिवर्सिटी का संगठक महाविद्यालय जिस दिन बना देंगे उस दिन ये कॉलेज अपने आप उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर पथारूढ़ हो जाएगा। और संगठक महाविद्यालय में यहाँ पर 11,500 विद्यार्थी हैं, यूनिवर्सिटी में मात्र 400 विद्यार्थी हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च एकेडमिक एक्सलेंस आएगी और सरकार के ऊपर कोई आर्थिक भार नहीं आएगा, बल्कि सरकार का भार निश्चित रूप से धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो डूंगर कॉलेज और एमएस कॉलेज को हमारी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज बनाने से ये कॉलेज उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर पथारूढ़ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बजट में नहीं दिया, राहत बचत और विकास हर घर में इन्होंने फायदा किया है। आज इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल खुले हैं उसमें हमारे बच्चे जो है आईएएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और हर तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री बिजली, आम आदमी कोई उद्योग शुरू करना चाहे 5 साल तक लाइसेंस की जरूरत नहीं, शिक्षा विभाग अकेला आपकी प्रेरणा से 1,00,000 युवाओं को नौकरी दे रहा है। ये बजट युवाओं को समर्पित है, अन्य विभागों में भी अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसके साथ साथ आपने बजट में जो राहत प्रदान की है आम आदमी को, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, एक तरफ केंद्र की सरकार महंगाई बेरोजगारी बढ़ा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर घर को राहत पहुंचाई है, इसलिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।
धन्यवाद। और अब मेरा आग्रह प्रदेश प्रभारी आदरयोग सुखजिंदर जी रंधावा साहब से कि वे आए और अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ रंधावा जी का अभिवादन और अभिनंदन करें। माननीय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी, डोडासरा जी, कला साहब, मेघवाल साहब, भाटी जी, कृष्णा पुनिया जी और यहाँ के प्रेसिडेंट गुदारा साहब और स्टेज पर बैठे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे स्टूडेंट्स, टीचर, सत्कारयोग भाइयों बहनों, पहली बात तो मेरे को खुशी इस बात की है कि अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में टोटल 16,000 स्टूडेंट है और आपके कॉलेज में 11,500 थे। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस स्टेट में पढ़ने की रुचि हो वो कभी पीछे नहीं रह सकता। और मैं रास्ते में बात करता आ रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब ने किसी स्टेट के लिए तीन चीजें बहुत बढ़कर होती हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ में उन्होंने राइट टू हेल्थ दे दिया, वो बहुत बड़ी बात है और पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्टेट। एजुकेशन में जो मैं सुन रहा हूं 18 कॉलेज और पैसे इन्होंने वो किए हैं। और रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे ख्याल सबसे बढ़िया आपका है, जो मैं जितनी भी आज तक इतनी स्टेट्स डूब कर आया। ठीक है कि कुछ लोग देश को बांटने की जब नफरत की राजनीति करते हैं, कांग्रेस में नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अंबेडकर, कितने भी आप नाम ले लो, इन्होंने कभी देश को आजाद करने के लिए धर्म की राजनीति नहीं की। इन्होंने एक ही कहा कि हमारा देश एक है। किसी को नहीं पता था कि देश को आजादी मिलेगी, किसी ने नहीं कभी सोचा कि देश को आजादी मिलेगी, पर लास्ट में अंग्रेजों को, जिनका कभी सूरज नहीं डूबता था, वो हिंदुस्तानी उनका सूरज भी डुबो दिया था। मैं तो स्टूडेंट्स जो बैठे हैं, मेरे भाई भी हैं, बेटे भी हैं, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, अगर देशभक्ति है तो देश है, अगर देशभक्ति नहीं है तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर देश को आगे लेकर जाना है, हमारे दिमाग होना चाहिए कि मेरा देश है। आप बैठे बीकानेर, मैं डेरा बाबा नानक बैठा हूं। 65 की बार मैंने देखी, मैं 6 साल का था, ऐसे लग रहा था के पाकिस्तान के साथ अमेरिका के वो सभी थे। हमारी फौजों ने, जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जवान भी आगे आ गया और किसान ने बॉर्डर पर खड़े होकर उनकी मदद की। उस टाइम हमारे पास बहुत जो सुविधाएं नहीं थी, आर्मी के पास पीछे राशन के लिए नहीं थे, हिंदुस्तानियों ने जाकर बॉर्डर पर बंकर पर खड़े होकर उनको राशन भी दिया और उनके साथ काम भी किया। इसीलिए बीकानेर से लेकर फिरोजपुर तक हर बॉर्डर से, हर सेक्टर से हम पाकिस्तान का एरिया हमने लिया था। तो भाइयों, आप जहां बैठे हैं, मेरे को बहुत खुशी की बात है कि जब स्टूडेंट्स बैठकर, आपके जो प्रेसिडेंट गुदारा साहब अभी बोलकर गए हैं, नेता जो होता है वो किसी तरफ भी, आप एक बिल्कुल प्लेन जो है किताब हो, कॉपी हो, इसमें जो भी आप लिख देंगे आप वो ही बनेंगे। तो आप जो जब उठाएंगे पेपर को, उस पर
देशभक्ति जरूर देखिए कि हम देशभक्त पहले हैं उसके बाद कुछ और है। आज जो चल रहा है, मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको भी बधाई देना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस से मेरे हमारे पंजाब के मंत्री हैं ब्रह्महिंद्रा जी, कल हम बैठे थे तो वो कहने लगे कि अशोक गहलोत जी सबसे पहले एनएसयूआई में आए थे। कहने लगे मैं उस टाइम कांग्रेस में था। कहने लगे मैं जो कांग्रेस में था तो वो एनएसयूआई में थे। जो आदमी नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया से आता है वो कभी भी एजुकेशन को नहीं छोड़ सकता, उसका जब भी टाइम आएगा वो एजुकेशन की तरफ देखेगा। तो मैं इनको कैसे आगे लेकर जाना, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं और कामना करता हूं कि इससे भी ज्यादा आप एजुकेशन को और आगे लेकर जाइए ताकि हमारा देश वर्ल्ड में सबसे आगे जा सके। एक ही पहचान है, अगर एजुकेशन है तो देश है, एजुकेशन है तो तरक्की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चार पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री महोदय को कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति को बचाने और अशांति को मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाखों सियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। राजस्थान को कल भी अशोक गहलोत की जरूरत थी, राजस्थान को आज भी अशोक गहलोत की जरूरत है। जोरदार तालियों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया जननायक, जिन्होंने प्रदेश के गरीब की जीवन की दौर को मजबूत करने के लिए एक निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे डॉक्टर साथी सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं चिकित्सा के अधिकार का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से, प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते हम सामने खून बहाने के लिए तैयार हैं, लड़ेंगे, नस कटाएंगे, काटेंगे नहीं, गरीब को मरने नहीं देंगे। गांव में बैठा एक एक प्रदेश का व्यक्ति आपको धरती का भगवान मान रहा है, वो कह रहा है हमारा जीवन बचाने के लिए, हमारा जीवन बचाने के लिए। अगर प्रदेश में कोई व्यक्ति है जो रात को सोते हुए भी हमारा सोचता है वो केवल अशोक गहलोत हो सकता है। ये गरीब एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है। मैं खुद ऐसे परिवार से आता हूँ जिसका नाता कांग्रेस से रहा है। मेरे दादाजी बताते हैं जब अकाल पड़ते थे गांव के अंदर लोग जिक्र करते थे कि खाए उनके लिए अनाज नहीं मिलेगा। उस अकाल के साए के अंदर जब साल में 10 क्विंटल गेहूं खर्च हो तो 15 क्विंटल गेहूं आदरणीय अशोक गहलोत जी उस घर तक पहुंचाने का काम करते थे। हर व्यक्ति इस बात को जानता है। एक छोटा सा उदाहरण लेकर मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ। कौन से लोग सामने बात कर रहे हैं जब देश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना आई, कहां थे अमित शाह जी, कहां थे मोदी जी? केवल यही व्यक्ति थे जिन्होंने कहा किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, लगा दिया पूरे प्रदेश की जनता को, लगा दिया कांग्रेस के कार्यकर्ता को। इसलिए मन में दर्द है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में इन गरीब किसान के बच्चों की फीस वृद्धि को रोकते हुए 17 दिन तक आंदोलन किए हमने। मैं 5 दिन स्वयं जेल के अंदर भूखा रहा हूँ, इसलिए मन के अंदर दर्द है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से कि गरीब के विद्यार्थी, किसान परिवार से या नौजवान, लगातार चौथी बार एमएसयू यहाँ पर विजय हुई है। प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय जहाँ के विद्यार्थी अशोक गहलोत जी के सपनों को साकार करने के लिए रोडवेज बस के अंदर 15 रुपए किराया देकर आता है कि अपना बाप जो खेत के अंदर कंधे पे पाइप डालकर उम्मीद कर रहा है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, उसके सपनों को साकार करने के लिए इस महाविद्यालय के अंदर गरीब किसान का बेटा आता है। हम प्रतिदिन नौजवान साथियों से यही आग्रह करते हैं। अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए अंत में यही बात कहना चाहता हूँ कि किसानों पर और पूरे प्रदेश ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे देश में बीजेपी के लोगों द्वारा हो रहे अत्याचार,
एक बार फिर निकले हमें जगाने को और स्वतंत्रता के प्रथम समर की हमको याद दिलाने को। अरे चोर लुटेरे क्या जानेंगे गांधी की परिभाषा को, लोकतंत्र की आशा को, संविधान की भाषा को। मत समझो अजमत अकेले है कुछ भी कर पाने में, एक दिया काफी अंधियारे को दूर भगाने में। वो दीपक बनकर, वो दीपक बनकर अशोक गहलोत जी आप लोगों के बीच में जोरदार तालियों के साथ, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी आपको आशीर्वाद वचन प्रदान करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी, हमारे वरिष्ठ नेता बीडी कल्ला साहब, गोविंद मेघवाल जी, भवन सिंह भाटी साहब, श्रीमती कृष्णा पूनिया जी, गुरजोत संधू जी एनएचए के प्रभारी, जीपी सिंह जी आचार्य और हमारे नव निर्वाचित छात्र संघ के अध्यक्ष हरिराम गोदारा जी, राम निवास कुकना जी और विंद बेनीवाल जी, गोपाल गहलोत जी, मंगलाराम जी गोदारा, लखन खड़वासा जी, शुजा जी गोदारा, श्याम चंद्र जानी जी और तमाम यहाँ उपस्थित हमारे अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज डूंगर कॉलेज में लंबे अरसे बाद में आने का सौभाग्य मिला। जब राजीव गांधी जी थे तब इस कॉलेज में आए थे हम लोग और जो डूंगर कॉलेज का नाम है ये आपने ठीक कहा, ये नाम पूरे बीकानेर संभाग तक सीमित नहीं है, डूंगरपुर का नाम पूरे राजस्थान का है। डूंगर कॉलेज संख्या के हिसाब से भी आज लंबे अरसे से सफर तय करता करता यहां तक पहुंचा है और यहाँ के छात्र निकल गए, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अच्छे कीर्तिमान स्थापित भी किए। मैं आप सबको सबसे पहले तो अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, हरिराम गोदारा को छात्र संघ अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। आप सबका विश्वास हरिराम में रहा और एक नौजवान को अवसर दिया आपने। अभी रामनिवास कुकना जी जोश करोज के साथ में आह्वान कर रहे थे आप सबको, ये जज्बा बना रहे आप में। आप लोग देश में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, वहां तक भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज इज पावर, ये नई थीम चली है पूरी दुनिया के मुल्कों में। जो ज्ञान है किसी के पास में वो भी बहुत बड़ी ताकत होती है। इसके मर्म को समझना चाहिए आपको भी, लिखना पढ़ना अध्ययन करना। आजकल तो स्मार्टफोन है, इंटरनेट सेवाएं हैं, पूरी जानकारियां संजो के रखना मैं समझता हूँ ये जिंदगी भर काम आती है, जिंदगी भर काम आती है। इतने प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन होते हैं देश की राजनीति के बारे में, प्रदेश के बारे में, दुनिया के बारे में। खाली पढ़ाई लिखाई के काम ही चलता है, एक तरफ अन्य एक्टिविटी होती है खेलकूद के साथ साथ में, वो उसका महत्व है, चाहे स्काउट एनएसएस एनसीसी हो और चाहे वो एक्टिविटी खेल के साथ साथ में किस प्रकार हम सोच बढ़ाते हैं अपना। मैं समझता हूँ कि वक्त का तगड़ा है कि हम किस प्रकार से हर घटनाओं को वाच करें। व्यक्तित्व भी और कृतित्व भी हमारा दोनों शानदार बने। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही, बिल्कुल ठीक कहा गया कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा में अगर आप प्रायोरिटी देते हो सरकार की तरफ से,
और मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स बनता है अपने राजस्थान का, नौजवानों का, आने वाला कल आपके ऊपर निर्भर करेगा, देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य। मानव संसाधन जितना अच्छा बनेगा, सर्वश्रेष्ठ बनेगा, वो इन्वेस्टमेंट है राजस्थान के लिए। एक बात की गांठ मानगा, खाली पढ़ाई बीए पार कर ली, एमए पार कर ली, उसके साथ में आपने कितना ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान में और शिक्षा में भी अंतर है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत आवश्यक है, साथ में शिक्षा होगी तो ज्ञान भी होगा। मैं समझता हूं कि ये राजस्थान के भविष्य में उज्जवल है। देखिए राजस्थान में नौजवानों के लिए सरकार कोई कमी नहीं रख रही है, एक के बाद एक स्कीमें लेकर आ रही है, वो आपकी ध्यान के अंदर है। हर तरीके से छात्रवृत्ति की बात हो, अनुपति योजना जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको, 30,000 बच्चों को हम लोग पहले 15,000 थे, अब 30,000 कर दिए, फ्री कोचिंग करवाने की बात है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और प्रतिभाशाली है उनको विदेश तक भेजने का हमने फैसला किया। पहले 200 बच्चे थे, संख्या बढ़ती गई, इनका 500 बच्चों को प्रति साल भेजने का फैसला किया है। आने जाने का खर्च अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं जाए, दुनिया के मुल्कों में जाए, एडमिशन हो गया, तो खर्चा सरकार दे रही है, आने जाने का भी, वहां रहने का भी और वहां की फीस का भी। 2-3 स्लैब बना दिए गए। ये क्यों किया गया? यहाँ के बच्चे जो हैं आने वाले कल के भविष्य बने, मानव संसाधन के रूप में वो आगे आए और प्रदेश की भी, देश की सेवा भी करें। और ये आजकल माहौल अच्छा भी है, ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर भी आईएएस बन रहे हैं, ज्यादा बच्चे राजस्थान नहीं जा रहे, पहले ऐसा नहीं था। ये जो बदलाव आ रहा है उसका कारण भी है कि शिक्षा में हमने जोड़ दिया है। पहली बार मैं जब मुख्यमंत्री था 98 के अंदर, जब सिर्फ 6 विश्वविद्यालय राजस्थान में थे, आज 89 विश्वविद्यालय राजस्थान के अंदर खुल गए, 89 विश्वविद्यालय। पहले आजादी के बाद के 18 तक, हमारी सरकार आने के पहले तक 250 के लगभग कॉलेज थे, 47 कॉलेज थे। आज हमने 4 साल के अंदर 303 नए कॉलेज खोल दिए, उसमें 130 कॉलेज गर्ल्स के खोल दिए। ये घोषणा कर रखी है, या 500 लड़कियां पढ़ेगी गांव में या कस्बों में कहीं पे भी, वहां कॉलेज बना दिया जाएगा। आप सोच सकते हो कि गर्ल्स एजुकेशन महत्व रखती है अपना। तो शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात की गई, लगातार खोले जा रहे हम लोग। बच्चे जो जाते नौकरी करने के लिए बार बार फॉर्म भरने पड़ते थे, इस बार मैंने घोषणा कर दी है, एक बार फॉर्म भर, एक बार फीस दो, बाद में जितनी बार एग्जाम लेने जाओगे बार बार फॉर्म भरने की या फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये हॉस्टल बन रहे हैं हर जिले के अंदर, जिससे कि बच्चों को आराम मिल सके रहने के लिए। दिल्ली में हॉस्टल बना रहे हम लोग, दिल्ली में उदयपुर हाउस था पुराना, कोर्ट से हम जीत गए, खाली हो गया, वहां शानदार हॉस्टल बन रहा है, जो कि कॉम्पिटिशन जाने जाते हैं दिल्ली में बच्चे, उनको रहने के लिए सुविधा मिल सके। कहने का मतलब है कि एक तरफ 100 जॉब मेगा फेयर लगाने का निर्णय किया अभी हमने, अभी जोधपुर में, बीकानेर में, अभी मैं भरतपुर जाकर बीकानेर पे लाया था, मेगा जॉब फेयर अच्छे लग रहे हैं, अच्छी नौकरी मिल रही है। अब 100 मेगा फेयर जॉब फेयर लगेंगे तो ऑन द स्पॉट कई लोगों की नौकरियां लगेगी। इस प्रकार से पेपर लीक की घटनाएं हुई, मुझे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि 26-27 लाख एग्जाम देने वाले थे बच्चे। हमने बड़े शौक से कहा इनको रोडवेज के बच्चे हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, फिर मैंने मीटिंग ली तो मैंने कहा प्राइवेट, क्योंकि इतनी संख्या बढ़ गई थी रोडवेज के बच्चे कम पड़ रहे थे, मैंने कहा नहीं प्राइवेट में किराया सरकार देगी। बड़े खुश हो गए सब लोग, बच्चे भी। फिर कलेक्टर को फोन किया गया तो भाई ये बाहर के बच्चे आएंगे दूर दूर से, रात को कहाँ ठहरेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कैसे वो कल जाएंगे एग्जाम देने। तो तमाम लगभग तमाम सब जगह पर, कोई धर्मशालाओं में, कहीं होटलों में, जहां भी बस चला उनको रखा गया, खाने पर व्यवस्था की गई, बहुत अच्छा माहौल था। और सेकंड ने देखा पेपर आउट हो गया,
अब पता है कितना क्या बीती होगी। तो हमने जो जिस प्रकार कड़ी कार्रवाई करी, पहली बार कोई पकड़े गए पेपर आउट करने वाले, नंबर एक, जिलों भेजा गया उनको, डिमांड किया गया स्टूडेंट को भी जो हरकतें में शामिल थे, उनके बिल्डिंग दर्ज की गई जयपुर के अंदर, नए कानून बना दिए हमने राजस्थान सरकार ने, असेंबली के अंदर कड़ी सजा का प्रावधान उसके अंदर है, सब कुछ किया गया। हम कहते हैं कि बच्चों को नौकरियां करीब 1.25 लाख 1.5 लाख दे दी हम लोगों ने, 1 लाख 1.25 लाख के अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, सब काम हो रहा है, और 1 लाख की मैंने घोषणा और कर दी बजट के अंदर। इस प्रकार से सरकारी स्तर पर नौकरी मिले, इन्वेस्टमेंट बाहर से आए तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से जो फैसले सरकार कर रही है उसका लाभ आप देख रहे हैं आने वाले वक्त में सबको मिलेगा। इंग्लिश स्कूल का एक मामूली ये फैसला नहीं है, मैं खुद बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था, क्या काम आएगी। आज 40 साल के बाद में मुझे महसूस हुआ कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, पहले मोबाइल फोन कंप्यूटर नहीं थे, तो राजीव गांधी का सपना था, देश में कंप्यूटर भी आ गए, मोबाइल फोन इंटरनेट की सेवाएं आ गई। उस वक्त लोगों ने समझे थे राजीव गांधी कहना क्या चाहते हैं, जिस प्रकार के उन्होंने सपना देखा उस वक्त 21st सेंचुरी में, हम लोग भी विकसित राष्ट्रों की तरह आगे बढ़े हैं। आज अगर मोदी जी बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, अगर राजीव गांधी का सपना नहीं होता तो बात ही नहीं कर पाते जिस रूप में आज देश में चाहे इंदिरा गांधी का क्या हो गई कि खालिस्तान में बने। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने की बात करते थे। तो त्याग बलिदान आजादी के पहले भी आजादी के बाद में भी जिस रूप में हुआ है इसका इतिहास भी आपको जानने रखना चाहिए और उसकी स्टडी करनी चाहिए। इतिहास बनाना जिंदगी में आपको कभी कहीं जाकर के, चाहे आप राजनीति में आए, चाहे आप उद्योगपति बने, व्यापारी बने, सोशल वर्कर बने, ये जिंदगी में इतिहास काम आता है। इतिहास वही बना पाता है जो इतिहास का अध्ययन करता है कि हमारे उन नेताओं का इतिहास कैसे बना। कम बात नहीं है, जिस रूप में देश आगे बढ़ रहा है, लोकतंत्र 75 साल के बाद में यहां पर कायम रहा है, ये कम बात है। हमारे साथ पाकिस्तान आजाद हुआ, बार बार सैनिकों का शासन, बंदूकों का राज, प्रधानमंत्री को फांसी की सजा, क्या क्या नहीं होगा। हमारे यहाँ आत्मनिर्भर देश, पाकिस्तान की खबरें पढ़ते होंगे भी आप 15-20 महीने भर से, अब तो वहां कल मैंने खबर पढ़ी एक राज्य में इलेक्शन होने थे, इलेक्शन करवाने के पैसा उनके पास नहीं है सरकार के पास। आप जस्ट इमेजिन सोचेगा क्या दुर्गति हो रही है वहां पर, महंगाई की और दूसरी बातों की सोच नहीं सकता। और हमारा मुल्क में जड़ें मजबूत रही, पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी जिस कारण से इस्पात के कारखाने बड़े बड़े उस जमाने के, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने, IIT संस्थाएं प्रीमियर देश की, IIM, ICAR एग्रीकल्चर की, काजरी जोधपुर के अंदर क्या बड़ी बड़ी संस्थाओं का यहाँ पर जो उनके प्रारंभ किया गया उसके कारण से आज रिसर्च भी हुई है, ग्रीन रिवोल्यूशन भी हुआ है, हम आत्मनिर्भर भी हुए हैं सब क्षेत्रों में। आज दुनिया की हम आर्थिक ताकतों माने जाते हैं, क्यों माने जाते हैं, अगर पंडित नेहरू की सोचनी होती तो हम भी पाकिस्तान की स्थिति बनती है हमारी। तो कहने को बहुत लंबी बातें हैं, मैं तो आपको इतना कहना चाहूंगा कि सरकार सोशल सिक्योरिटी का ध्यान दे रही है, पेंशन हम 1 करोड़ लोगों को दे रहे, बुजुर्गों को, सज्जनों को, विधवाओं को, एकल नारी को, अभी मैंने मिनिमम 1000 रुपए कर दी पेंशन के, पहले 500 दी थी। इस प्रकार से हम हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं, भारत सरकार से कह रहे हैं आप सोशल सिक्योरिटी में आइए, आप कानून बनाइए पार्लियामेंट के अंदर, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी जी के बने थे कानून, नरेगा का बनो, बेकानी वाले जानते हैं, अकाश सूखा पड़ता तो क्या स्थिति होती थी यहाँ पर।
अब आराम हो गया रोजगार मिलता हूँ। मैं कई बार आता था कोलाई तो गाँव में यहाँ पर अकाल आते कामों करने जब मैं मेंबर पार्लियामेंट था जोधपुर का पड़ोस में था कोलाई थे मुझे याद है यहाँ की स्वतः अच्छा काम करती है हमेशा सोशल वर्कर भी आते हैं बच्चे हैं कोई कमी नहीं रखी सेवा करने में पर समय बीतता गया कादू मरगा राइट टू एजुकेशन राइट टू फूड 2 रुपये किलो गेहूं 3 रुपये किलो चावल अभी तो फ्री मिल रहा है RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन वो क्रांतिकारी कानून है दुनिया का ये कानून मैंने ये कानून और बने मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को राइट टू सोशल सिक्योरिटी हर इंसान हर परिवार को जिंदा रहने का हक है उनके लिए पूरी व्यवस्था आप करो एक मजदूर होता है बिल्डिंग खड़ी होती है खाली मशीन से नहीं होती मजदूरों से होती है और जब उनका एज हो जाती है उम्र हो जाती है तो सही साथ ही देता है काम नहीं करता घर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तो उनको ध्यान रखे कोई बेटे पोते भी नहीं होते कई बार और स्थिति बन जाती है सरकार की जिम्मेवारी है कि सबको एक मिनिमम जो है वो अपना जीवन चला सके ये व्यवस्था हर परिवार की होनी चाहिए दुनिया के मुल्कों में है प्रधानमंत्री जी भी से गुरु बनने की बात करते हैं वो तब बनेंगे तब कम से कम सोशल सिक्योरिटी भी होगी देश के अंदर इंग्लैंड में जाइए अमेरिका में जाइए 20 रुपये का मिलता है परिवार को जिसको जरूरत है तो बहुत लंबी छोटी बातें हैं मैं आपको इस मुबारक मौके पर कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें कॉलेज हो स्कूल हो हमने हर पंचायत में स्कूल खोल दिए 12th तक के हर ग्राम पंचायत में लड़के लड़कियों को बाहर दूर नहीं जाना पड़े इतनी कॉलेज खोले घर खोले कि पेरेंट पढ़ाए लड़कियों को पढ़े छुड़वाए नहीं तो चारों ओर से हम लोगों ने पानी की स्कीम में बनाई है घर घर नल योजना आपको मालूम है आधा पैसा भारत का आधा पैसा हम दे रहे हैं बिजली का आप देख रहे हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है अब तो सोलर आने लग गया है और बढ़ेगा सड़कें शानदार राजस्थान की अभी रंधावा साहब गए थे कि भाई राजस्थान की सड़कें बहुत शानदार है तो मैंने कहा भाई कोई जमाना था गुजराती सड़कें अच्छी मानी जाती थी और कहावत थी गुजरात से आओ कार के अंदर अगर आप नींद में सो रहे हो नींद खुल जाए तो राजस्थान आ गया इतनी सड़कें खराब थी अब उल्टा मामला हो गया शानदार सड़कें राजस्थान की हो गई तो हर क्षेत्र में विकास किया राजस्थान में इसलिए आपको मैं यही कहना चाहूंगा अभी तुम आए तो थे आपका प्रोग्राम अच्छा नहीं गोविंद मेघवाल जी ने बनवा दिया हम तो आज आए थे हमारे कांग्रेस के जो अब राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दी पार्लियामेंट एक षडयंत्र के द्वारा की गई है आप सोचिएगा जिस परिवार ने आजादी जंग के अंदर मोतीलाल नेहरू आनंद भवन सरदार भवन इलाहाबाद के अंदर गांधी जी भाई रुककर के आंदोलन चलाया करते थे देशव्यापी पंडित नेहरू 10-12 साल जेलों में बंद रहे उस जमाने जेलों में बंद रहे 10-12 साल तक जेंटल ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री विश इत्यादि झलक और भारत की खोज किताबें लिखी जो पढ़ने लायक है जेलों के अंदर लिखी बैठे जेल के अंदर लिखी और प्रथम प्रधानमंत्री बने 17 साल से प्रधानमंत्री रहे इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए पर खालिस्तानी बने जब मैंने कहा राजीव गांधी शहीद हो गए तो राहुल गांधी के दादी शहीद हो गई उनका सीना छलनी कर दिया गया प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी उनके पिता थे प्रधानमंत्री बनने वाले थे दूसरी बार उनको बम छोड़ा दिया गया उसके बेटे को किस प्रकार सोशल मीडिया में आपने डैमेज किया है उनके पर्सनलिटी को वो सबको मालूम यात्रा भयंकर शानदार करी देश में जजिला उठ गया देश भर में जो 4 मुद्दे उठाए उन्होंने वो चाहे उड़ीसा हो चाहे वो बंगाल हो चाहे वो नहीं भी गए हैं तो हर प्रदेश के हर गांव में हर घर में एक मैसेज था कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर से जा रहे हैं मुद्दे क्या महंगाई है जो कमर तोड़ महंगाई है बेरोजगारी है नॉन वायलेंस रहना चाहिए देश के अंदर हिंसा नहीं होनी चाहिए प्यार मोहब्बत
भाईचारे या सद्भावना रहे आप पर के अंदर, सब धर्मों में सब जातियों में, ये मुद्दा था। और गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है, खाई बढ़ेगी तो गरीब कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगा, ये मुद्दे थे। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने, जो विपक्ष का नेता बोल रहा है और सही बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, लोकतंत्र का कायदा होता है। जिसका लोकतंत्र में यकीन नहीं हो वो क्यों ध्यान देगा? ये तो लोकतंत्र का मुकुट पहन के चुनाव जीतने वाले लोग हैं, सरकार मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, अच्छी बात है। ये भी इसलिए बने कि गांधी जी का, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, उन्होंने आजाद के जमाने में जो अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्था करी और कायम नहीं पिछली साल बाद में, इसलिए आप प्रधानमंत्री बन पा रहे हो। जनता भाई बाप है, जनता एक सेकंड लगाती है, पता नहीं लगता कब आप घर चले जाओ। अब उस व्यक्तित्व को, उस राहुल गांधी को, जिनके पिता शहीद हो गए देश के लिए, दादी शहीद हो गई, उसको आप किस रूप में ट्रीट कर रहे हो? पार्लियामेंट बोलने दे रहे हो? पार्लियामेंट में रहा हूं 5 बार, अंतिम केंद्रीय मंत्री बना 3 बार, मुझे मालूम है कि नियम क्या है। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो आपका अधिकार है वापस उत्तर देने का, उत्तर नहीं देने दिया आपको, क्योंकि अडानी जी का मुद्दा उठाने उठा दिया, अडानी जी के मुद्दे की सब बातें एक्सप्लेन कर दी। याद है, मैं समझता हूँ स्पीकर साहब को यह भी नहीं करना चाहिए था, कई कई बार एक्सप्लेन करने के लिए हाउस में अनाउंस करना पड़ता है। रेल केस में छोड़ दीजिए, रेल केस में हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात, वर्गर बात आ गई, कोई बात आ गई तो हटा सकते हैं, वरना पार्लियामेंट में असेंबली में स्पीकर साहब को अनाउंस करना पड़ता है सबके सामने, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोई ऐसी बात आ गई है, डिसीजन हो गए तो। आपने सभी सब उनके जो आरोप थे अडानी जी को और मोदी जी लेके, सबको एक्सप्लेन कर दिया पार्लियामेंट के बाद में, बोलने आप दे नहीं रहे हो, वो लिख के दिया स्पीकर साहब पर गए तब भी नहीं बोलने दिया आपने। और अचानक ही जो ये जजिला पैदा हुआ बाहर जोड़ो यात्रा का, वो जो उनकी सोशल मीडिया की टोल हो रही थी आर्मी, समझ गई थी अब हमारे चलने वाले नहीं है, तो षडयंत्र करके ये केस का फैसला हुआ। और आप देखिए उनको, उनके मेंबर से 12 अक्टूबर भी खत्म कर दिए, 1 महीने का हिस्से किया कोर्ट ने, उनकी परवाह भी नहीं करती। तो देश की जिस समय जा रहा, कहाँ जा रहा कोई नहीं जानता है। ईडी, इंडिया उंडा, सीबीआई, जुडिशियल दबाव में, इन एजेंसियों का दुरुपयोग, चुनाव आयोग में दबाव होता भी, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा अब आगे से आप नहीं बना पाओगे, सरकार नहीं बना पाएगी, चीफ इलेक्शन कमीशन होगा, अब विपक्ष का नेता होगा, सीजीआई खुद होगा, चीफ सुप्रीम कोर्ट का, और प्रधानमंत्री होंगे। अब बताइए कितना बड़ा कमेंट और फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप सोच सकते हो क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने देखा जो हरकतें सरकार कर रही है वो हरकतें उचित तो नहीं है देश के लिए, कम से कम चुनाव आयोग इस पर चुनाव कराएगा तो डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी। तो ये हालात, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं एनएसयू में था तब से मेरा मानना है कि छात्र जीवन से ही आप अपनी अपनी विचारधारा बनाए, सबको सुने, डेमोक्रेसी है, कौन सी पार्टी की विचारधारा क्या है, एक मन में आपके विचार आने से भी कौन सी बातें ठीक है, देश हित में है, समाज के हित में है, गरीब के हित में है, दलित के, पिछड़ों के हित में है, आदिवासी हित में है, वो सब फैसला आपको करना है। कोई हाथ पकड़ के आपको एनएसयू मेंबर नहीं बनाता है, जो विचारधारा पैदा होती है उससे बनते हैं। मैं बना था एनएसयू के प्रेजिडेंट, उसके पहले मैं कांग्रेस से कैसे बना बता दूंगा, फिर मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं एमए कर रहा था इकोनॉमिक्स के अंदर बीएससी करने के बाद में, और इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने एक झटके के अंदर 14 बैंक के थी, उनके मालिक पूंजीपति हुआ थे, पूंजीपति होते थे पहले मालिक बैंकों के, सरकार नहीं हुआ करती थी, तथा मेरे कई लोगों की जानकारी भी नहीं होगी, उनके मालिक टाटा हो, बिरला हो, गोयनका जो वो होते थे मालिक पूरी बैंक के, ब्रांचें शहर में होती थी, गांव में नहीं होती थी, गांव गांव ब्रांचें मिल रही आपको, और गरीब को पैसा, किसान को पैसा घर मिलता है गांव में, उस जमाने में खाली
बीकानेर जोधपुर जयपुर बड़े शहरों में बैंक होती थी और गरीब आदमी निकलता था हम जैसा पुलिस वाला बार बंदूक लेके खड़ा होता सोचता भाई बैंक है खाली कार में आओ जिसके पुलिस के लोग अंदर जा सकता है ये माहौल था उस जमाने में। इंदिरा गांधी ने एक झटके में बैंकों का कर दिया राष्ट्रीयकरण में सहकारीकरण कर दिया बैंकों का और राजा महाराज को प्रीमियम कर्ज मिलता था पहले राजा महाराज घर बैठे हुए बिना कोई कारण के क्योंकि जब मुल्क आजाद हुआ राजे दरबारे सब बिना दिए गए एक राज्य बन गया जैसे 22 रजवाड़े थे राजस्थान में राजस्थान बन गया ऐसा हिंदुस्तान बन गया पूरा देश कहते हैं पंडित पटेल साहब ने जो है घूम घूम कर पूरी मेहनत करी पूरी देश की 500 से अधिक रियासतें थी उनको एकजुट कर दिया उनके बाद उनको प्रिय प्रश्न होता इंदिरा जी ने उस प्रिय प्रश्न को खत्म कर दिया। मुरारी भाई जैसे ही थे उप प्रधानमंत्री उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया वित्त मंत्री वो भी थे वित्त मंत्री थे पर इंदिरा गांधी इतना बड़ा कहते कदम उठाया। ये जब घटना हुई तो हमारे जो सीपीआई वाले लोग थे सीपीआई सीपीएम के लोग ये थोड़े कैडर बेड लोग होते हैं उसे एनएसयू भी नहीं थी उन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया छात्रों में इंदिरा गांधी को बधाई देने के लिए धन्यवाद देने के लिए सीपीआई वालों ने चलाया पहले सीपीआई वाले कांग्रेस सपोर्ट करते थे तो अभियान चलाते चलाते मैं स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में घूम रहे थे मेरे पास भी आए मैंने साइन कर दिया उसके अंदर तो इंदिरा गांधी का फैसला स्वागत योग्य है। तो सीपीआई या सीपीएम जो भी थे वो लोग मेरे राजनीतिक कौन थे उनके सिग्नेचर अभियान के वक्त मैंने साइन किया और उसी वक्त इंदिरा गांधी का भगत बन गया और कांग्रेस बन गया। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि फैसले ऐसे होते हैं देश के अंदर चाहे वो कोई पार्टी सरकार हो उनको वॉच करो कौन से फैसले देश हित में समाज के हित में किस पार्टी नीति है गरीब के पक्ष में किस पार्टी की विरोधियां अमीरों के पक्ष में व्यापारियों के पक्ष में उद्योगपतियों के पक्ष में ये फैसले आपको करना है इस प्रकार की राजनीति होती है। तो मेरे खुशी है कि आज बहुत कम समय में जो आपकी संख्या है या बैठे हुए हैं ये इस बात का प्रतीक है कि आपने जो चुनाव किया है और हरिराम गोदारा बनना चाहता है अध्यक्ष वो भी गांधी जी की बात करें तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो गांधीवादी बनना चाहता है लगता है गांधीवादी बनेगा वो और रामनिवास कुकड़ा को मैं गांधीवादी बना दूंगा। और गांधी भाई रास्ता रहे शानदार म्यूजियम बन रहा है जयपुर के अंदर गांधी जी का गांधी जी के नाम से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है वैसे इंस्टीट्यूट हम खड़ी कर रहे हैं जयपुर के अंदर महात्मा गांधी के नाम से सोशल साइंस उससे हमारे सोशल वर्कर्स बन सके वहां पर। तो शिक्षा जगत में कोई कमी रख नहीं रहे हैं और जो मांग आपके प्रिंसिपल हमने करी है डिग्री कॉलेज में बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्लासरूम की जरूरत बताई उन्होंने तो ये 30 नए क्लासरूम बनाने की मैं घोषणा करता हूं आपके कदम साहब बताई दिया कि आपके यहाँ 15 करोड़ की लागत से शानदार ऑटोरूम बनेगा वो अलग ही मैसेज होगा आपके यहाँ कॉलेज में ऑटोरूम बनना बहुत बड़ी बात है हमें भी उठाने का मौका मिलेगा भी बोलने का मौका मिलेगा यही बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद। आदरणीय जननायक माननीय अशोक गहलोत जी ने आशीर्वाद स्वरूप अपने विचार आपके बीच में रखे अब मेरा निवेदन कि सम्मान प्रतीक आपको भेंट करेंगे सम्मान प्रतीक महाविद्यालय के तरफ से साथी हरिराम गोदारा सभी साथियों हरिराम गोदारा सम्मान प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें हरिराम गोदारा